नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात एजुकेशन बोर्ड के बारे में और गुजरात एजुकेशन बोर्ड से जिस भी स्टूडेंट ने अपने 10th क्लास की एग्ज़ाम दी है उसके रिजल्ट को लेकर अपडेट है और मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि आप अपना रिजल्ट कहाँ चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात बोर्ड के जो 10th क्लास के रिजल्ट हैं और उस रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। तो रिजल्ट को लेकर ये अपडेट है कि जो एजुकेशन बोर्ड है उसके द्वारा आज एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि उनका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात बोर्ड का 10th क्लास का रिजल्ट है वो सुबह 8 बजे 21 मई को बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया जाएगा जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। अगर बात की जाए विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट की तो ऑफिशियल वेबसाइट है gseb.org। जी हाँ, gseb.org। इस वेबसाइट पर विभाग सुबह 8 बजे सारे नतीजे अपलोड कर देगा और जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आप 8 बजे के बाद से 21 मई के अपने इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए रिजल्ट कैसे चेक करेंगे तो मैं आपको बता दूं सबसे आसान तरीके से जो आपके रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई है विभाग की gseb.org, इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको 21 तारीख को ही यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा GSEB 10th क्लास रिजल्ट 2019। इस रिजल्ट के लिंक पे आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद आपसे जो आपके एडमिट कार्ड में कुछ डिटेल्स मांगे हैं वो डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, रोल नंबर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। इस तरीके की डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके अगले पेज पर आपका जो रिजल्ट है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आसान तरीके से आपका रिजल्ट है आप चेक कर सकते हैं। वहीं बात करें गुजरात एजुकेशन बोर्ड को, तो जो 7.5 लाख स्टूडेंट 10वीं क्लास के नतीजों का इंतजार कर रहे थे अब उनका नतीजा जो इनका इंतजार था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 21 तारीख को रिजल्ट अब आने जा रहे हैं। गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने इस बात की ऑफिशियल जानकारी दे दी है। गुजरात एजुकेशन बोर्ड को लेकर हमारे पास जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।